हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, डिविडेंड से माला माल करने वाला शेयर। अक्सर जब भी छोटे इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में आते हैं तो हमेशा ये ढूंढते हैं कि अच्छा डिविडेंड देने वाला शेयर कौन सा है। तो अगर आप देखोगे इस शेयर से बेहतरीन शेयर और कौन हो सकता है जो बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है। मतलब अगर इसका करंट प्राइस देखा जाए तो 270 रुपये का शेयर है और 26 रुपये डिविडेंड दिया इसने अभी बीते साल यानी कि 2018 में, और 2017 में उससे भी ज़्यादा बड़ा डिविडेंड दिया था। तो आप खुद सोचिए, 26 रुपया 270 का ऑलमोस्ट 9 से 10% शेयर वैल्यू का डिविडेंड दे देता है एक साल में। अगर 10 से 9 से 10 रुपया डिविडेंड ही पे करता है तो बाकी चीज़ तो भूल जाओ। मतलब आपको बैंक की जो FD आप कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, उससे ज़्यादा डिविडेंड पे कर दिया इसने, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन सा है ये शेयर जो इतना ज़बरदस्त डिविडेंड देता है और डिविडेंड से ही मालामाल कर देता है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये कंपनी कोई और नहीं, इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मतलब जिंक से या लेड की बात करें, जिंक की बात करें, सिल्वर मेटल की बात करें, तो बहुत बढ़िया ही इसमें इसका काम है। उसके माइनिंग की बात करें, स्मेल्टर्स, कैप्टिव पावर प्लांट्स और रिफाइनरी, जो ये सारी चीज़ें इन मेटल सेगमेंट में ये कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। अब जिंक तो आपको पता ही है, मेजर काम इसका जिंक है। दूसरा देखिए लेड, लेड आपने सुना होगा कहाँ पे, आजकल की डेट में थोड़ा आउटडेट। अब लेड एसिड बैटरीज में लेड यूज़ होता है तो वहाँ पे बैटरी की दुनिया में भी इसका काम आ जाता है, और आने वाला टाइम जो है लिथियम आयन बैटरी पे है, तो इसीलिए लेड का थोड़ा सा कम यूज़ होगा फिर आगे आने वाले टाइम में। लेकिन फिर भी ये जिंक, लेड, सिल्वर मेटल, इनके बहुत ज़बरदस्त जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है उसमें ये काम करता है। स्मेल्टर्स हैं, बहुत बढ़िया, मैं शेयर कहूँगा इसको, अच्छा एक पकड़ बना रखा मार्केट में। 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। खुद देखिए बुक वैल्यू जो शेयर की है वो है 93 रुपीज़ के अराउंड, और अगर आप देखें इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप खुद देखिए 32% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, दोनों बढ़िया। और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की देखें तो 14.5%, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा। डिविडेंड यील्ड देखिए ऑलमोस्ट 3% डिविडेंड यील्ड है, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, अर्निंग पर शेयर का अगर हम से देखें तो 20 रुपये का है के अराउंड का अर्निंग पर शेयर है। अब अगली क्वालिटी क्या है इसकी, ये जीरो डेट की कंपनी है। अक्सर ऐसी कंपनी जो जीरो डेट वाली होती है रिटेल इन्वेस्टर को खासी पसंद, रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बहुत खासी पसंद होगी। भैया उधार नहीं होना चाहिए कंपनी में, उधार नहीं होता तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर सपोज आप एक इंसान, आपके पास कोई उधार नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हो, लेकिन जब उधार होता है तो एक बोझ होता है, काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा बोझ होता है कि मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, छोटा सा कोई होता है मुझे 10,000 उसको देने हैं, तो वो चीज़ भी होता है जो ग्रोथ में आपके प्रॉफिट में कमी देखने को मिलती है कि भाई उधार भी देना। जो डेट फ्री कंपनी है मतलब अच्छा खासा कैश है इनके पास, पैसा है, इन्वेस्ट करेंगे और कमाएंगे और अच्छा इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न देंगे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है कि जो कंपनी डेट फ्री है। तो हिंदुस्तान जिंक डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री शेयर है ये देखिए। चलिए अच्छी बात है, करंट प्राइस देख लीजिए, अगर आप इसका 52 वीक लो देखा जाए तो 260 के अराउंड गया था और 52 वीक हाई 340 का। ये शेयर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भैया एकदम 200 से 500 पहुंच गया, हल्का फुल्का अप देखेगा, थोड़ा बहुत डाउन भी दिखेगा। इतनी जल्दी आपका पैसा, आपको ऐसा लगेगा भाई 400 रुपये से 200 आ गया, इस तरीके के नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, अच्छी खासी कंट्रोल है गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट प्लेयर्स के भी, तो इतना वोलेटाइल नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत बेहतरीन शेयर। चलिए अगर मैं आपको दिखाऊं हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे डिविडेंड की, तो डिविडेंड पे लेके चलते हैं शेयर को। तो देखिए 2018 में एक बार इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो कि अभी अक्टूबर में डिक्लेयर किया था। 1000% हो जाता है वो डिविडेंड जो कि इसकी फेस वैल्यू का, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपये की है, और एक बार 2018 में 6 रुपये का डिविडेंड दिया, तो टोटल डिविडेंड 2018 का अगर आप देखोगे तो 26 रुपया बनता है, वो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है। और 2017 का अगर देखा जाए तो एक बार 27.50 रुपये का डिविडेंड दिया था, एक बार 2 रुपये का दिया था, तो टोटल 2017 का डिविडेंड वो कितना था 29.50 रुपये। और इसी तरह 2016 का डिविडेंड देखिए, 2015 का डिविडेंड देखिए, तो बढ़िया मतलब हर बार भर भर के डिविडेंड पे करता है। 2016 में देखिए 24 रुपया और ऑलमोस्ट 2 रुपया, तो डिविडेंड में कोई कमी नहीं रखता ये। और आप सोच रहे होंगे भैया
ये प्राइवेट प्लेयर है फिर भी इतना डिविडेंड देता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी ये डिविडेंड अच्छा खासा देती है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखिए, जिन कंपनीज में प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत भी ओनरशिप होती है, तो गवर्नमेंट उनको मजबूर कर देती है कि डिविडेंड दो भैया, हमको अपना खर्चा भी चलाना है, हमारी इतने परसेंट होल्डिंग है, हमें तो डिविडेंड चाहिए ही। तो वो अच्छा डिविडेंड देती है अगर थोड़ा बहुत भी गवर्नमेंट की ओनरशिप उसमें होती है। तो ये तो रहा डिविडेंड की बात। अगर मैं आप दिखाऊँ बोनस, बोनस देखिए 2011 में इसने 1:1 का बोनस भी दिया था, बहुत ही बढ़िया जी, बोनस भी दिया है, डिविडेंड वाला शेयर है। अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि डिविडेंड देने पर मजबूर होते हैं, कंपनीज को देनी पड़ती है, तो देखिए कितनी ओनरशिप है हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट की। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंपनी जाती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 29.54%, मतलब उसमें ऑलमोस्ट 30% के आसपास गवर्नमेंट की ओनरशिप है। तो इसलिए ये कंपनी वही, मतलब एक मान के चलिए आप कि आधी जो है गवर्नमेंट की है। वेदांता लिमिटेड देखिए 65% के अराउंड वेदांता लिमिटेड की कंपनी है, आपने वेदांता का नाम सुना होगा, उसी के अंडर ये आती है, अंडर उसके मतलब उसी की कंपनी में मेन प्रोमोटर जो है वेदांता है। 64.92% प्रोमोटर की होल्डिंग है जो कि वेदांता है। और FII देखिए 143 FII ने 1.53% होल्डिंग बना रखी है। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स ने इसमें होल्डिंग बना रखी है, लेकिन कम है, वो भी 3-2% के अराउंड है, 0.32% की है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की तो बहुत कम होल्डिंग है इसमें। चलिए एक नज़र मैं आपको लेके चलता हूँ इस शेयर की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग पर। देखिए म्यूचुअल फंड की अगर आप होल्डिंग देखें तो बहुत सारे, जैसे ABSL ग्रुप है और ABSL के मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, बहुत सारे फंड्स हैं, BNP पेरीबास, DHFL और DSP, HDFC, ICICI प्रो, IDBI, इन्वेस्को, कोटैक, L&T, प्रिंसिपल, रिलायंस, SBI, तो बहुत सारे फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है। कौन सी कंपनी है ये? हिंदुस्तान जिंक। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके टेक्निकल प्राइसिंग के ऊपर। टेक्निकल प्राइसिंग से हमको एक्चुअल बाई प्राइस की, कहाँ पे हमको ये ख़रीदना चाहिए, इसका एक्चुअल लेवल क्या है, वो पता लगता है। तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से पता लगाना कि भैया कहाँ पे हम इसको ख़रीदें, क्योंकि कई बार हम जैसे ये स्टॉक अगर आप प्राइस देखोगे, इसका हाई देखिए 326-330 के अराउंड है, अगर हम इन लेवल्स पे इसको ख़रीद लेते हैं तो फिर हम रोते रहते हैं कि भैया हमने बहुत महंगा ख़रीद लिया, शेयर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमने बहुत महंगा ख़रीद लिया। लेकिन जिस बंदे ने इन लेवल्स पे ख़रीदा होगा इसको 230-240 के, वो कहता है यार ठीक है गिरा, थोड़ा बहुत नीचे आ गया, कोई नहीं, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। तो ये चीज़ एक होती है कि भैया हम हाई लेवल पर नहीं करें, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, 10,000-20,000 की इन्वेस्टमेंट अगर हमें लगानी है तो क्यों हम इतने ऊपर लगा के अपने को नीचे डुबाएं। तो आप देखिए इसके ट्रेंड लाइन देखिए, इसके सपोर्ट देखिए, बेसिस देखिए, जिस दिन गिरेगा उस दिन खरीद लीजिए, क्योंकि हमारा तो ज़्यादा जाएगा नहीं, 10,000-20,000 जाएगा उसके हिसाब से। बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यही काम करते हैं, जब कोई बैड न्यूज़ होती है, अच्छी फंडामेंटल्स का स्टॉक होता है, बैड न्यूज़ होती है, किसी तरीके से वो नीचे आता है, तो वहाँ पे उठाते हैं स्टॉक को और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के, जब हाई लेवल होता है, जब हम लोग देखते हैं वो उड़ रहा है, तब वो लोग खरीद के निकल जाते हैं, बेच के निकल जाते हैं, और फिर शेयर नीचे गिर जाता है और हम सोचते हैं हमने खरीदा और यार ये तो नीचे गिर गया। तो यही चीज़ होती है। आप देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एक्चुअल जहाँ पे वैल्यू, अभी देखिए ये आ रहा है 260 के लेवल पे, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि एंट्री करनी चाहिए, तो ठीक है यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। तो आपको ये कि अगर इन लेवल्स पे आता है तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन एक्चुअल जो सपोर्ट रेंज मुझे दिख रही है आने वाले टाइम पर, ये 230 से 240 की रेंज, एक सिंगल वैल्यू नहीं कह सकता मैं, एक रेंज कह सकता हूँ यहाँ पे, ये एक्यूमुलेशन जोन दिख रहा है जहाँ पे डिमांड आ सकती है, कि यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। मतलब यहाँ पे भी ठीक है सपोर्ट रेंज थोड़ा सा दिख रही है, लेकिन इन लेवल्स पे ज़्यादा सपोर्ट रेंज दिख रहा है, एक बढ़िया सपोर्ट, मतलब 230 से 240 के रेंज एक बढ़िया बाइंग जोन दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग जोन मैं इसको कहूँगा। और सेकंड लेवल ऑफ बाइंग जोन जो है वो ये 180 से 190 जो कि बहुत स्ट्रांग बाइंग जोन है, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की बात करें, किसी की बात करें, तो ये एक बहुत स्ट्रांग बाइंग जोन यहाँ पे दिखता है। तो इन दो लेवल्स पर आप तैयार रहिए, इससे नीचे ये आपको मिल भी नहीं सकता शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड फ्रेम में। इस लेवल पर भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, 230 से 240 और दूसरी रेंज 180 से 190, बेहतरीन बाई रेंज है ये दोनों। तो आप इंतज़ार कीजिए, अगर कर सकते हैं, बढ़िया डिविडेंड देने वाला शेयर है, आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से को भरना चाहते हैं, तो कोई बुरी न्यूज़ का इंतज़ार ज़रूर कीजिए जिसके इन लेवल्स को इसको धकेल देगी, और वहाँ पे आप अपना मौका मत गवाइए। ऐसे शेयर जो हैं सस्ते लेवल पे जब मिलते हैं तो आप खुद देखिए कितनी गिरावट मैक्सिमम हुई थी इसमें, एक बार पहले भी ये 340 के अराउंड जा चुका था और वहाँ से गिर के 240 के अराउंड आया था। तो आगे भी आने वाले टाइम में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऐसे कहते हैं शेयर मार्केट में। तो देखिए बिल्कुल नीचे आएगा इन लेवल्स पे, तो बढ़िया बाइंग जोन है, और
थोड़ा सा मैं इसके जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसमें वो बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान जिंक्स, जो आप कहोगे कि हाँ भाई हिंदुस्तान जिंक ने अभी एक अवार्ड मिला है, इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR कहा जाता है। मतलब हर कंपनी की एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाते हैं कि कुछ भला करना है, देश का भी कुछ भला करना है, सोसाइटी का भी कुछ भला करना है, तो उसके लिए इसको अभी गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा ऐसे इनिशिएटिव लेते रहने चाहिए, कुछ अपने साथ साथ कुछ सोसाइटी का भी भला करते रहना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उसने चलाए हैं उसके लिए ये अवार्ड मिला है, तो बढ़िया अच्छा काम है। और ये अगर आप देखें जो इसकी इन्वेंशंस हैं कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे कि चाइल्ड केयर में, एजुकेशन में, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में, वुमेन्स एम्पावरमेंट में, स्पोर्ट्स, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, कल्चर, इन्वायरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस तरीके से बहुत एरियाज में काम करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश की, इसका डिविडेंड, इसका बोनस, इसके एंट्री पॉइंट्स एंड डिटेल जो आपके साथ शेयर करी हिंदुस्तान जिंक की। बढ़िया शेयर है डिविडेंड पर्सपेक्टिव से, और लार्ज कैप स्टॉक है, वॉलेटिलिटी कम है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए कम फ़ायदा होगा लेकिन कम नुकसान, ऐसा नहीं कि रिस्क भी कम है इस शेयर में, रिस्क फ्री शेयर कहूँगा, डेट फ्री शेयर कहूँगा इसको मैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप टाइम टू टाइम निकल भी सकते हैं, फिर सस्ते में आया तो खरीद भी सकते हैं, इस तरीके का शेयर है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।